दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 6 और 7 मई को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और प्रदेश के बस्तर संभाग में अंधड़ और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल 6 और 7 मई को बारिश के आसार हैं और हल्की बारिश हो सकती है। एक नया सिस्टम बनने की वजह से रायपुर, बिलासपुर और बस्तर सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में 6 और 7 मई को हल्की बारिश हो सकती है और इसकी वजह से तापमान में कमी आएगी, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभावित है। दरअसल बात करें तो यहां जो है 6 मई को रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सरगुजा और जसपुर जिले में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बादल छटते ही अनुमानित स्थिति की बात करें तो तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी यहां पर संभावित है। वहीं अगर बीते दिन के तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान प्रदेश में 44.9 डिग्री सेल्सियस डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया, यानी तकरीबन 45 डिग्री के आसपास अब तापमान छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। राशन कार्ड में 8,000 से ज़्यादा हितग्राहियों के नाम जो है कट चुके हैं और तीसरी बार यहां पर मौका मिला था, लेकिन अभी तक जो है नाम नहीं जुड़ने की स्थिति में खलबली मच चुकी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ता राशन वितरण के लिए राशन कार्डों का सत्यापन कराना जरूरी है, लेकिन जिले में अभी भी 8,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना सत्यापन नहीं करा पाए हैं। अब तक 3 बार तिथियां भी बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे लोगों का राशन कार्ड वितरण अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन विभागीय शासन के आगामी आदेश का इंतजार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 450 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें अकेले जिले में संचालित हैं और इनमें BPL राशन कार्डधारी 2,16,000 और APL राशन कार्डधारी 26,000 शामिल हैं। वहीं बात करें तो यहां पर राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्यों का EKYC तथा सत्यापन कराना शासन ने अनिवार्य किया हुआ है और इसके बिना राशन कार्ड निरस्त होने का चांस बढ़ा चुका है, जिसकी वजह से प्रचार प्रसार होते ही प्रदेश भर के PDS दुकानों में राशन कार्ड सत्यापन के लिए हितग्राहियों की भीड़ उमड़ती रही। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जिले में 8,673 हितग्राही राशन कार्ड सत्यापन के लिए नहीं आए हैं और ये भी हितग्राही APL हैं। सेल्समैन खुद ऐसे घरों के लोगों के घरों में जाकर संपर्क कर रहे हैं, इसके बाद भी वे सत्यापन कराने में अपनी रुचि नहीं ले रहे हैं और इन तमाम वजहों की वजह से आने वाले दिनों में इनके राशन कार्ड में कटौती का सबब देखने को मिल सकता है। और अब खबर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से आ रही है, जहां साईं बाबा के नाम पर हिप्नोटाइज करके 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। 3 लाख रुपए के सोने और चांदी और कैश लेकर के रफू चक्कर हो गए। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में साईं बाबा के नाम पर हिप्नोटाइज करके ठगी करने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी अमरावती, महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं। वहीं आरोपियों के पास से ठगी का माल भी जब्त कर लिया गया है। ये मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय कालकापारा निवासी पीड़िता कंचन टेमरूकर ने 24 अप्रैल को डोंगरगढ़ थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें ये तमाम बातें जो है जाहिर की गई थी। जांजगीर चांपा में 9,256 लोग पलायन करके घर वापस आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को वोट डाले जाने हैं और ऐसे में 100% मतदान को लेकर के यह मुहिम चलाया जा रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा में 100% मतदान को लेकर घर आजा संगी कार्यक्रम के अंतर्गत जिले से पलायन कर चुके 9,256 मजदूरों की घर वापसी की गई। जिला प्रशासन के द्वारा तिलक लगाकर मतदाताओं का स्वागत किया गया है। जिला प्रशासन के अंतर्गत फोन के माध्यम से पलायन किए गए 24,000 से अधिक मजदूरों से बातचीत की गई, जिसमें जिला पंचायत CO ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा फोन के जरिए जिले के अलग अलग विकास खंडों से पलायन किए गए तकरीबन 24,000 मजदूरों से संपर्क किया गया और इस दौरान उनसे बातचीत करके लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी सहभागिता देने के लिए जागरूक किया गया। जांजगीर चांपा लोकसभा के पामगढ़ विधानसभा से 3,542, अकलतरा विधानसभा से 2,304, जबकि जांजगीर विधानसभा से 1,966, सत्ती विधानसभा से 842, जबकि जयपुर विधानसभा से 602 लोग पलायन मजदूर अपने घर आ चुके हैं आगामी 7 तारीख को अपने वोट का प्रयोग करने के लिए।
और अब खबर बिलासपुर से, जहां गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आधी रात में छात्राओं का हंगामा देखने को मिला। जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से वार्डन ने रोका तो हॉस्टल का गेट तोड़ करके प्रदर्शन होने लग गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती रात को गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने ABBP कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा कर दिया। छात्राएं हॉस्टल के बाहर अव्यवस्थाएं अपनी लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग को करते हुए हंगामा मचाने लगी। छात्राओं ने हॉस्टल का गेट तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गई। प्रमुख कारण की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आयोजित जिला प्रशासन के द्वारा स्वीप के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से वार्डन ने हॉस्टल की छात्राओं को रोक दिया, जिससे वे नाराज हो गई। छात्राओं का कहना है कि यहां वार्डन हिटलर जैसा बर्ताव करती है, उनके तानाशाही रवैये से वे परेशान हैं। बीती शाम को यूनिवर्सिटी कैंपस में जिला प्रशासन ने स्वीप मतदाता जागरूकता के तहत कार्यक्रम रखा था, जिसमें स्वीप म्यूजिक फेस्ट लोकतंत्र और संगीत का संगम कार्यक्रम था। इसमें सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, लेकिन बिलासा देवी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं को वार्डन ने कार्यक्रम में जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से ये सारा जो हंगामा है वो देखने को मिला। सूरजपुर में महतारी वंदन योजना के लिए अभिनंदन रैली निकाली गई, जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसमें शामिल हुई। कहा, लोकसभा चुनाव में BJP का लाभ यहां पर मिलते वाला है। दरअसल BJP को लाभ को लेकर सूरजपुर जिले के भैयाथान में भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले महतारी वंदन योजना के लिए अभिनंदन रैली निकाली गई, जिसमें इस रैली में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी सम्मिलित हुई। साथ ही इस रैली में महिला मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत हमने महतारी वंदन योजना का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। महिलाओं ने जैसे विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया था, वैसे ही लोकसभा में भी रहेगा। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जिस तरह से आज पूरे जिले से भाजपा ने महतारी वंदन योजना अभिनंदन के जरिए महिलाओं तक पहुँचने का काम किया है, कहीं ना कहीं इसका लाभ भाजपा को लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। खबर रायगढ़ से, जहां जंगल में 96 हाथी अलग अलग दल में विचरण कर रहा है। रायगढ़ में कई जगहों पर फसलों को बर्बाद किया गया। इन हाथियों के द्वारा नुकसान के आकलन में वन विभाग जुटा हुआ है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ और कापू रेंज में बीती रात को जो है हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि जिले के दोनों वन मंडल धर्मजयगढ़ और रायगढ़ के हाथियों ने अलग अलग दलों की मौजूदगी जाहिर की है। वहीं जंगल में 96 हाथी दल विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात किसी न किसी गांव के खेतों में पहुंच जा रहे हैं। हाथियों द्वारा लगातार फसलों को बर्बाद भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीती रात हाथियों ने दल के धर्मजयगढ़ के बाईसी में धान की फसलों को बर्बाद किया। इसके अलावा छाल वन परिक्षेत्र के हाथी बांझापार कीदा बलमुड़ी में धान फसलों को चौपट किया है। शाम ढलने के बाद हाथियों का दल गाँव के करीब पहुँचते ही खेतों में घुसकर फसलों को चौपट करने के साथ ही फसलों को भी खा रहे हैं। बीती रात को धर्मजयगढ़ और छाल रेंज में किए गए धान फसलों के नुकसान का आकलन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा प्रभावित गांवों में मुनादी और बचाव के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। लगातार मुनादी करके लोगों को जंगलों में जाने से मना भी किया जा रहा है। खबर गरियाबंद से, जहां राजिम में रेत माफियाओं का आतंक सिर चढ़कर बोलने लगा है। यूट्यूबर के बाद अब खदान में ग्रामीणों को भी पीट दिया गया। बालू में दबा करके मारने की भी कोशिश की गई। कैमरा बंद कराने के लेकर जबरदस्त फोर्स देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांधा अवैध खदान में यूट्यूबर की पिटाई के बाद अब रेत के अवैध माइनिंग को लेकर ग्रामीण आपस में भिड़ गए। हथखोज खदान से अवैध परिवहन को रोकने ग्रामीणों में आसपास आपस में ही झड़प हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक हथखोज खदान में ग्रामीण अवैध रेत परिवहन रोक रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग हाईवा को रोकते दिखे हैं। इसी बीच खदान का समर्थन करने वाले कुछ ग्रामीणों में मारपीट हो रही है। इस दौरान हथखोज खदान में एक दूसरे को रेत में दबाकर मारने की कोशिश भी की जा रही है। एक ग्रामीण का तो सिर भार जो है रेत में दबा दिया गया, जिसके बाद कुछ और लोग दौड़ते पड़ते हैं और पीटने लगते हैं। बताया जाता है कि खदान समर्थक लोगों ने अवैध परिवहन का विरोध करने वालों को पीटा है। ये घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। अवैध माइनिंग को लेकर अब प्रशासन ने पंचायत को नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद गांव में अवैध परिवहन को लेकर काफी आक्रोश दिखाई देने लगा।
मतदान वाले दिन को लेकर के मौसम विज्ञान विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस दिन तापमान 44 डिग्री के आसपास रहेगा। दरअसल प्रदेश भर में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्रदेश भर में तिल्दा बीते दिन सर्वाधिक गर्म स्थान रहा और इसके पहले दिन यानी शुक्रवार को प्रदेश भर में डोंगरगढ़ सबसे गर्म स्थान रहा, तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस के औसतन करीब पहुंचने के आसपास। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील जो है मौसम विज्ञान विभाग ने की है। विभाग ने सलाह दी है कि मतदान वाले दिन बुजुर्ग सुबह 10 बजे तक या शाम 4 बजे के बाद ही मतदान करें, उससे तापमान पर शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं इसके साथ ही मतदान के पहले तरल पेय पदार्थ पीकर ही घर से बाहर निकले। सुबह 9 बजे के बाद मतदान के लिए निकलते हैं तो शरीर को ढककर निकले और साथ ही धूप में ज्यादा देर खड़ा ना रहे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में एडमिशन को लेकर बेटियों के लिए 2205 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 25% सीटें RTE से डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाने वाली हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 मई आवेदन की अंतिम तिथि है और ऐसे में 4410 सीटों में प्रवेश के लिए लगभग 8000 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। बेटियों के लिए 2205 सीटें आरक्षित हैं, वहीं 25% सीटें RTE के माध्यम से प्रवेश होने वाली हैं। प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन एंट्री करने 34 स्कूलों के प्राचार्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में आवेदन जमा लिए जा रहे हैं। शहर के 4 प्रमुख विद्यालय स्वामी आत्मानंद तारबहार, लाला राजपत राय, मगरपारा और मंगला के लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा MLB मल्टीपर्पज बालक बालिका सरकंडा, लिंगियाडी, चिंगराजपारा सहित 3 नए स्कूलों में प्रवेश होगा, जिसमें तिफरा, जयराम नगर और बेलतरा में कक्षा 1 से 8वीं की कक्षाओं में प्रवेश होगा, जबकि 50% सीटों पर छात्राओं को प्रवेश की प्राथमिकता होगी। बिलासपुर से खबर, जहां बस ने ट्रेलर को जो है टक्कर मार दी, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। अंबिकापुर से रायपुर जाते वक्त ये भीषण हादसा हुआ और इसकी वजह से पूरे जो है नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। 7 यात्रियों के हालात बेहद गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती देर रात तेज रफ्तार बस ने नेशनल हाईवे के किनारे खड़े हुए ट्रेलर को टक्कर मार दी और इस हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 7 के हालात बेहद गंभीर हैं। बस अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी और घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। रॉयल ट्रेवल्स की बस जो है शुक्रवार की रात अंबिकापुर से निकली थी और रात में तकरीबन 30 यात्री इस बस में सवार थे। तेज रफ्तार बस नेशनल हाईवे में कटघोरा पाली होते हुए रतनपुर तरफ आ रही थी, तभी यह बस हादसे का शिकार हो गई। खबर रायपुर से, जहां रायपुर लोकसभा चुनाव में खलल रोकने को लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां कान पकड़ करके 258 गुंडा और बदमाशों को खड़ा किया गया, जिसमें 17 अपराधियों पर आबकारी और आर्म्स एक्ट पर भी एक्शन लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस सख्त मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने लोकसभा चुनाव में खलल रोकने की संभावनाओं को देखते हुए 258 गुंडा बदमाशों की थाने में परेड करवा दी। इन गुंडा और बदमाशों को बुलाकर जमकर लताड़ लगाई गई। शुक्रवार को पुलिस ने अलग अलग इलाके में बदमाशों को संबंधित थाना में तलब किया था, जिनमें से आने में आनाकानी की, उसे सरकारी गाड़ी में जबरन भर कर लाया गया। ये मारपीट और दबंगई करके रौब झाड़ते हैं और इन बदमाशों को इलाके में काफी खौफ भी है। शुक्रवार को रायपुर पुलिस के अफसरों के कड़े तेवर देखकर बदमाशों को ये बात समझ में आ गई कि चुपचाप कान पकड़कर खड़े रहने में ही भलाई है, और सभी को कान पकड़कर खड़े रखा गया। राजीव में हिंदू संगठनों का नेशनल हाईवे जाम देखने को मिला, जहां आदतन आरोपी को पकड़कर खाना आपूर्ति की बातें कही गई। मामला शिवलिंग तोड़ने वाले असली गुनाहगारों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर है। गरियाबंद में कुछ दिन पहले शिवालय तोड़ने वाले असली आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जो है हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए बीते दिन राजीव में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि पुलिस ने असली गुनाहगारों को नहीं पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीते दिन राजिम के पंडित श्यामाचरण शुक्ल में एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया। आक्रोशित संगठन ने जमकर नारेबाजी की और जाम के चलते दोनों छोर में वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। वहीं हिंदू संगठन ने 3 घंटे बाद जाम बहाल कर दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर्स को भाजपा प्रवेश कराया, जहां दुर्ग में स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत 300 से अधिक स्टाफ ने कमल का हाथ थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में बीते दिन स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 300 से अधिक डॉक्टर और वहां के स्टाफ को भाजपा में प्रवेश कराया गया। और इस दौरान स्पर्श के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश आयोजक शंभु गुप्ता वैशाली नगर कॉलेज के पास स्थित मगध तेली समाज के भवन में सर्व समाज की बैठक में पहुंचे थे।